राधे राधे सभी को। आइए नमस्कार, सभी जुड़ जाएं और फिर बातें शुरू करते हैं। अनिल अग्रवाल जी, नदीम अहमद जी, रोहित जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। खुशाली जी, हरकेश चौहान जी, विशाल जी, नमन जी, मानसी जी, आयुषी जी, कृष्णा भारद्वाज जी, सोनू जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। हेलो अंकित शर्मा जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। मोनू सिंह जी, राधे राधे। अजय जी, मीनाक्षी जी, पलक जी, मनोज जी, निखिल जी, धीरेंद्र जी, सुखवीर जी, रोहित जी, आप सभी को थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि मैं एक साथ तीनों प्लेटफॉर्म्स पे लाइव हूँ। रोहिणी जी, निशु कुमार जी, हैप्पी बर्थडे। तो मुझे दोनों कमेंट्स, तीनों कमेंट्स की तरफ ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप में से किसी का नाम छूट जाए। राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हैं? पीयूष आनंद जी, हैप्पी बर्थडे। पलक चौहान जी, आइए। सभी आई थिंक काफी जन जुड़ चुके हैं, तो ये सब बातें तो हम हमेशा ही करते हैं। और जैसा मैं कुछ लाइव्स से एक थीम काइंड ऑफ बनाते हुए आ रही हूँ कि हम किसी टॉपिक के साथ आए और उसी पर बातचीत करें, ताकि राधे राधे, जय श्री श्याम, इनके अलावा हम कुछ अच्छी बातें भी सीख पाएं अपने लाइफ में। तो आइए, हम सभी जानते हैं आज का टॉपिक इज लेसन फ्रॉम 2020, 2020 जो एक ऐसा साल गुजरा जिसमें बहुत सी तकलीफें थी, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमने क्या देखा, क्या सीखा और उन चीज़ों को कैसे एक सीख बनाकर हम आगे के समय में अपने काम सही कर सकते हैं या गलतियां करने से बच सकते हैं। आइए, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, हम क्योंकि टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो अभी आप कोई भी क्वेश्चंस ना पूछें, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी। जब हम इस टॉपिक के एंड तक चलेंगे तब हम आपके क्वेश्चंस के जितने भी आंसर्स हैं वो दे पाएंगे। पुनीत मित्तल जी, हैप्पी बर्थडे। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी आप कोई भी क्वेश्चंस ना पूछें, आप सुने और उसके बाद जैसे ही मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तब आप अपने क्वेश्चंस रखें और मैं उन सभी का आंसर ज़रूर करूँगी। आइए, जय श्री कृष्णा। तो टॉपिक शुरू करते हैं, लेसन्स फ्रॉम 2020।
सबसे पहली चीज़ आई थिंक सभी को पता होगा कि हमने क्या सीखा है, दैट इज़ पेशेंस। हम सभी में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था पहले, और शायद स्पेशली आज की जनरेशन को ये बात कई लोग कहते हैं कि हमें पेशेंस नहीं है, हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए, या हम रोबोट की तरह काम करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, ठहरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। तो ये साल हम सभी को पेशेंस सिखा कर गया है कि क्योंकि कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। कितने समय तक लॉकडाउन की वजह से सब अपने घर पर बैठे थे, सबके काम रुक गए, सब कुछ रुक गया। और चाहे आपने जो अभी वीडियो भी देखा होगा 2021 के लिए मैंने जो अपलोड किया था कि वर्क, जिम्स, मॉल्स, ऑफिसेज, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बिना हम शायद रह नहीं पाते थे, हम कोई काम नहीं कर पाते थे। बहुत ज़रूरी बन गया था ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में, लेकिन लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण या 2020 के कारण इन सभी चीज़ों के बिना भी हमने जीना सीखा है, हमने इन सब के बिना भी अपने जीवन को चलाया है, अपने घर पर रहे हैं और पेशेंस के साथ रहे हैं। हो सकता है शुरुआत के कुछ दिन, कुछ महीने बहुत मुश्किल से गुजरे हों, लेकिन धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ी है कि ठहर कर काम करना, रुक कर काम करना, चीज़ों को समझना, हर चीज़ को सोच विचार करके करना। तो आई थिंक सबसे बड़ी सीख 2020 की इस पेशेंस। तो किसी भी चीज़ को आगे जब आप करने जाएं तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। ज़रूरी नहीं हर काम एक रोबोट की तरह किया जाए, हम सब इंसान हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मशीनों के साथ काम करते करते हम सब भी मशीन बनते गए हैं, और इसीलिए भी आज आप देखेंगे कई लोग हैं जो लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते, जुड़ना नहीं चाहते, एंड दे आर हैप्पी कि वो अपने फ़ोन के साथ है या लैपटॉप्स के साथ है या गेम्स के साथ है। क्योंकि फ़ोन्स या लैपटॉप या मशीन्स के साथ काम करके हमें इतनी आदत हो गई है मशीन्स की, हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, जो ऑब्वियसली आपको लोगों से नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम अपने अपने पेस पे अपना काम करते हैं, अपनी अपनी खुद की स्पीड होती है, और वो स्पीड हम या वो पेस हम सहन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। तो ज़रूरी है कि मशीनी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर हम लोगों से मिले, लोगों को जाने, लोगों को समझे, उनसे कुछ सीखे। तो ये साल शायद हमें पेशेंस सिखा कर गया है, और पेशेंस के कारण हो सकता है कि अब हम नए लोगों से मिलेंगे, हमारे रिश्ते थोड़े और अच्छे हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप मशीनी दुनिया से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, अपने काम पेशेंस के साथ करें, थोड़ा ठहराव रखें हर चीज़ में। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें तुरंत करनी है, शॉर्टकट में करनी है, हर चीज़ एक चुटकी में चाहिए। ये चीज़ें हम जितनी हो सके बंद करने की कोशिश करें। सो फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली पेशेंस। दूसरी चीज़ जो मैं शायद अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, और बहुतों के साथ ये चीज़ हुआ गा कि टफ टाइम्स मेक्स यू रियलाइज द इनर पावर यू ऑलरेडी हैव। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो बहुत टफ है, जो जिनका सामना करने में हमें डर लगता है, जिनका सामना शायद अगर ये स्थिति नहीं आती तो हम कभी करना नहीं चाहते या उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, या फिर हमें लगता कि हम नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा कि वर्क, जिम्स, मॉल्स, ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें, इनके बिना हम रहना सोच नहीं सकते थे, या हम कहते थे हम तो रह ही नहीं सकते काम के बिना। आई थिंक मैंने भी ये बातें कई बार कही थी कि मैं 15 दिन से ज़्यादा घर पर नहीं रह सकती क्योंकि मुझे फिर काम के लिए जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर अब हम ऑलमोस्ट 1 साल से घर पर ही बैठे हैं, और बैठे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं रह पाए या कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो कई बार आप कई ऐसी चीज़ें कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या ये हमसे नहीं होगा, तब तक जब तक आप एक्चुअली में उस परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम सबके अंदर एक पावर है, एक इनर पावर है, और जो हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना करवा सकते हैं। तो शायद अगर ये स्थिति नहीं होती, 2020 नहीं आया होता, कोरोना नहीं होता, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं था कि वो ऐसी परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कई बार लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका ये साल कैसा गुजरा, या आपने क्या नया किया या क्या किया,
पर आई थिंक कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ एक ही बात इस साल में अच्छी है, दैट इज़ कि हम जिंदा हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे पास है, क्योंकि ये साल ने बहुतों से बहुत कुछ छीन लिया और वो हर चीज़ में है, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी के अपने हो, चाहे किसी की अच्छी हेल्थ हो, तो बहुतों ने बहुत कुछ खो दिया है इस साल। तो इस साल में ये बातें करना कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, आई थिंक फेयर नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि हम जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं और अपने घर के अंदर है। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग इस साल और कुछ भी नहीं हो सकती, और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तीन चार चीज़ें हैं जो बहुतों से छिन गई है इस साल। तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं है इस साल, और यही आपको ये साल सिखा रहा है कि जब आप जो आपके टफ टाइम्स आते हैं आपके जीवन में, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो आपको और दिखाते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है कि आप बड़े से बड़ी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। तो 2020 ने भी शायद हमें यही सिखाया है कि हम बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं और उनसे बाहर भी आ सकते हैं, जो अब हम आ रहे हैं एक्चुअली। और देश आगे बढ़ रहा है, देश स्वास्थ्य के मामले में हो, काम के मामले में हो, धीरे धीरे सब कुछ वापस ऑन ट्रैक हो रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। सो आई थिंक सेकेंड इज़ के टफ टाइम्स आपको बताते हैं कि जो पावर, एक शक्ति आपके अंदर है परिस्थितियों से लड़ने की, वो आपको दिखाता है कि कितनी शक्ति है आपके अंदर। आई कुछ कई क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर 2021? आई डोंट नो। आई थिंक एक और सीख है कि 2020 ने हमें सिखा दिया है ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना, क्योंकि आपकी प्लानिंग्स आप करते हैं लेकिन होता वही है जो भगवान को करना है। तो आई डोंट थिंक आई एम प्लानिंग एनीथिंग फॉर 2021 एक्सेप्ट कि मुझे बस जैसा समय हो, जैसा काम मिले, वो कंप्लीट करना है, जिस भी स्थिति में है कुछ ना कुछ करते रहना है। सो आई डोंट हैव एनी प्लान्स, आई थिंक, सॉरी। राधे राधे, योर इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच। यस, स्टे होम। जैसलमेर से खम्मा गणी साहब, अरुण कुमार जी, राधे राधे, शिवांगी जी, राधे राधे, सोनल एंड सोनाक्षी, हैप्पी बर्थडे। पढ़ाई में सक्सेस के लिए क्या करें दीदी? आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए ऑलरेडी एक वीडियो है कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे पार करें, सो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। आई एम सॉरी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो कई कमेंट्स हैं जो मिस हो सकते हैं। तो आइए, तो दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, दो लेसन्स मैंने आपके सामने रखे, अब हम थर्ड की तरफ जुड़ते हैं कि तीसरी सीख हमें इस साल क्या मिली है। और तीसरी सीख है कि सेल्फ केयर शुड बी अ प्रायोरिटी। आप हम जब भी प्लेन्स में जाते हैं, फ्लाइट्स में जाते हैं, तो हम सभी ने सुना है कि पहले अपनी कुर्सी की पेटी लगाएं और फिर दूसरों की मदद करें। तो ज़रूरी है कि पहले आप खुद का ध्यान रखें, क्योंकि आप अच्छे होंगे, आप हेल्दी होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आप अपने परिवार वालों का, अपने अपनों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख पाएंगे। तो इस साल क्योंकि हमें कोरोना से इतना डर था कि हमने अपना इतना ध्यान रखा है, हम हर कुछ देर में हाथ धो रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है, खान पान अच्छा रख रहे हैं, बाहर का जंक फूड ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं हर चीज़ में,
तो शायद इस 2020 ने हमें ये सिखाया है कि हेल्थ से बड़ा वेल्थ कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी आपकी हेल्थ ही है, कि आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और सब कुछ अच्छा हो सकता है। अगर नहीं भी है तो मान लीजिए कि ये साल हम सब ने काम नहीं किया, बड़ी दिक्कत आई फाइनेंशियली, सबको बहुत प्रॉब्लम्स आई है, सब घर पर बैठे हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अगले साल उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं, हर वे में, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली। ये सब तभी हो सकता है जब आप हेल्थ से अच्छे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप अपना ध्यान रखते हैं, आप खान पान अच्छा करते हैं, आप सफाई का ध्यान रखते हैं, तो आप सब कुछ कवर अप कर सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो ये सिर्फ 2020 के लिए नहीं है, आगे भी है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, किसी भी रूप में। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं उनसे भी कहती हूँ, कई बार वो स्ट्रेस की वजह से, एग्ज़ाम्स की वजह से पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं और फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन, कुछ समय तक आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपके हेल्थ पे बहुत अफेक्ट करता है। और आगे जाके हो सकता है कि जब आप कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और तभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, बिकॉज आपकी नींद नहीं हुई है और आपके बॉडी को वो रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो आराम नहीं मिल रहा है, वो नींद नहीं मिल रही है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें किसी भी अवस्था में। ज़रूरी नहीं है, देखिए, कि जो सब कर रहे हैं, आप घर पे रह के नॉर्मली भी बहुत अपना ध्यान रख सकते हैं, जैसा हमने इस साल किया, हाथ धोना, सफाई का ध्यान रखना, घर को साफ रखना, और घर से आते ही तुरंत नहाना, और ये सब चीज़ें आई थिंक हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी समय से चलती आ रही है, कि हम जब भी घर से बाहर आते हैं हम नहाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सिर्फ इस साल ही आपको नहीं रखना है, आगे भी कंटिन्यू करना है, कि आप जब भी बाहर से घर आए तो आप सफाई का ध्यान रखें, आप नहाएं, भगवान की पूजा करें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी भर की सीख है हम सभी के लिए। तो सेल्फ केयर शुड बी योर प्रायोरिटी, ये थर्ड लेसन हमें जो इस साल से मिलता है। तो सभी से निवेदन है कि जो तीन लेसन्स मैंने आपको सिखाए, एक बार, फर्स्ट इज ऑब्वियसली पेशेंस, सेकंड इज टफ टाइम्स मेक्स यू रियलाइज द इनर पावर यू ऑलरेडी हैव, कि जो टफ टाइम्स है वो आपको समझाती है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। थर्ड इज सेल्फ केयर शुड बी योर प्रायोरिटी, आप सबसे पहले खुद का, खुद के स्वास्थ्य का, खुद की खुशियों का ध्यान रखें, ताकि आप दूसरों को भी खुश रख सकें। अगर आप अच्छे नहीं हैं, हेल्दी नहीं हैं, खुश नहीं हैं, तो आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। ये आई थिंक सबसे बड़ा मंत्र है, कि आप लाइफ का, कहते हैं ना कि लाइफ का एक मंत्र होना चाहिए, ये है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो पहले आप खुद खुश रहिए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आप हर किसी को खुश रख पाएंगे। फोर्थ इज लिव इन द प्रेजेंट, और ये भी हमें शायद 2020 ने सिखाया। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि आप की क्या प्लानिंग है 2021 को लेकर, और मैंने यही कहा कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि 2020 ने हमें ये सिखाया है कि आप कितनी भी प्लानिंग्स कर लीजिए, जो होना है वो होके रहेगा, और आपकी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है। सो इट्स नेसेसरी, ठीक है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इट्स ओके, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में जिए। हमने कोई प्लानिंग 2020 में नहीं की, क्योंकि किसी को नहीं पता था 2021 में क्या होगा, चीज़ें ठीक होगी कि नहीं होगी, पहले की बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम सब ने कोशिश की कि हम आज के समय में जिए, हम सब अपने घर पर थे, अपने परिवार के साथ थे, हमने उनके साथ समय बिताया। फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, उसके बारे में सोच कर भी कुछ नहीं हो जाता। तो आई थिंक 2020 ने हमें ये सिखाया है कि हमें जीवन ऐसे ही जीना है, कि आपको नहीं पता फ्यूचर, और फ्यूचर में कहूँ कल की कल क्या हो, अगले मिनट क्या हो, किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में सोचे ना, लेकिन ओवर थिंक ना करें,
उसके बारे में सोचने में, उसके बारे में काम करने में अपना प्रेजेंट खत्म ना कर दे। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में हमें पैसे चाहिए या कुछ भी चाहिए, उसके लिए इतना काम करते हैं कि हम फैमिली को टाइम नहीं देते, हम अपनों को टाइम नहीं देते, हम अपने रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं देते। और जब तक आपके पास सब कुछ आता है, तब तक हो सकता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो रिश्ते हैं, वही खत्म हो चुके हैं। तो आपने ये सब किसके लिए किया? इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर के बारे में सोचना इट्स गुड, उसके बारे में काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट को ख़त्म कर देना इज आई थिंक द मोस्ट स्ट्यूपिड थिंग टू डू। क्योंकि फ्यूचर में आपके पास वो रिश्ते रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, वो परिस्थिति होगी कि नहीं होगी पता नहीं, और वो अपने होंगे कि होंगे नहीं होंगे पता नहीं। तो ज़रूरी है कि आज अपने माता पिता के साथ स्पेशली जितना समय आपको मिल सके आप बिताइए, उन्हें खुश रखिए, उनसे बातें करिए, उनके पास आकर रोज़ कुछ देर बैठिए, उनके दिन के बारे में पूछिए कैसा गुजरा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। समय क्या लेकर आएगा आपको नहीं पता, कितने समय तक आपके अपने आपके साथ रहेंगे आपको नहीं पता, आप उनके साथ रहेंगे आपको नहीं पता। जितना समय है उस साथ में गुजार लीजिए ताकि जब भगवान का बुलावा आए तो आपके पास अच्छी यादें हो, ना कि गिल्ट हो कि काश मैंने उनके साथ ज़्यादा समय बिता लिया होता। तो आई थिंक फोर्थ इज लिव इन द प्रेजेंट। फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर कुछ होना जाना है नहीं, आपका प्रेजेंट सिर्फ खराब ही होगा। सो लिव इन द प्रेजेंट, अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए और आज में जिए, क्योंकि वही आपको खुश रखेगा। तो ये चौथा लेसन है। फिफ्थ लेसन इज समय अनमोल है और निश्चित समय है, उतनी देर में आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि अगर समय निकल गया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कैसे 2020 जब शुरू हुआ था, लॉकडाउन वगैरह सब लगे थे, तब हमें लगा था समय कैसे बीतेगा, इतना लंबा समय है, कब सब कुछ ठीक होगा, कब घर से बाहर जा पाएंगे, और देखते ही देखते पूरा साल निकल गया और हम 2021 में एंटर कर चुके हैं। तो समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता, आप देखते रहते हैं और समय निकल जाता है। तो इस निश्चित समय में जो निश्चित कार्य आपको करना है उसको कर लीजिए, वरना समय निकलने के बाद रिग्रेट करने के अलावा, गिल्ट रखने के अलावा और कोई चारा हमारे पास बचेगा नहीं। तो समय सबसे अनमोल है। कहते हैं, मैं अपनी कथाओं में भी एक बात कहती थी कि एक व्यक्ति ने जीवन भर पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए, बहुत धन इकट्ठा किया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, और जब उसे लगा कि अब मैं रिटायर होकर अपने फैमिली के साथ समय बिताऊंगा और अपने अपनों के साथ समय बिताऊंगा, और उसी वक्त उसका बुलावा आ गया और अंत समय आ गया, और जब वो जाने लगा तो उसने सिर्फ, जैसा हम सब जानते हैं कि हर किसी को भगवान लेने नहीं आते, यमराज आते हैं, तो वो जब आए उसने यही कहा कि आप मेरी आधी जायदाद ले लो लेकिन मुझे एक मिनट दे दो। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मेरी पूरी जायदाद ले लो, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दो। उन्होंने 30 सेकंड भी नहीं दिया। 30 सेकंड, आपको 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलता। आप अपनी पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी, सब कुछ दे दे और फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा सेकेंड था। समय, तो समय को बर्बाद ना करें, समय को ख़त्म ना करें, और जो समय मिला है उस समय में चाहे आपको काम करना है, जीना है, फैमिली के साथ समय बिताना है, जो भी करना है, लेकिन इसी समय में करना है, तो उस समय को बर्बाद नहीं करिए। तो ये सीख हमें 2020 से मिलती है कि समय बहुत अनमोल है और पलक झपकते समय निकल जाता है। जैसे 2020 निकल गया, पूरा साल ख़त्म हो गया, पूरे साल हम घर पर बैठे थे। क्योंकि हम जब काम करते हैं, बिजी रहते हैं, तब तो हम बोल सकते हैं कि समय निकल गया, लेकिन जब आप घर पे बैठे हैं, जब कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप देखिए कब समय निकल गया, पूरा साल निकल गया पता नहीं चला। तो प्लीज़
अंडरस्टैंड कि समय से ज्यादा प्रेशियस कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस समय को बर्बाद मत करिए। तो और फिर नेक्स्ट लेसन इज जो मैंने पहले भी आपको बताया है दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे ये समय भी परमानेंट नहीं है, 2020 परमानेंट नहीं था, कोरोना भी परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे हम रिकवरी रेट्स हाई हो रही है, मरीज कम हो रहे हैं, लोग बहुत ठीक हो रहे हैं, अपने काम की तरफ वापस जा रहे हैं, तो ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। और काम फिर हो जाएगा, हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, वापस जीवन वैसे ही चलने लगेगा। लेकिन ये सीख देकर जा रहा है कि अगली बार कोई भी दिक्कत आपके जीवन में आए तब आप पैनिक ना करें, आप चिंता में ना आए। और ये हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। कुछ समय के लिए दिक्कतें, परिस्थितियाँ और आई थिंक खुशियाँ भी, सुख दुख दोनों ही हैं, वो कुछ समय के लिए ही आता है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ने पूछा कि कोई एक ऐसी लाइन कहो जिससे जो सुखी है उसको भी दुख हो और जो दुखी है उसको खुशी हो। तो लाइन यही है कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो जो सुखी है उसे ऐसा लगेगा कि जो सुख के दिन है वो गुजर जाएंगे, जो दुखी है उसको सुनकर खुशी होगी कि दुख के दिन गुजर जाएंगे। तो आई थिंक यही लाइन है जीवन की कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो चाहे वो सुख हो, दुख हो, खुशियाँ हों, दिक्कतें हों, परिस्थितियाँ हों, ये सब टेम्पररी है और सब कुछ समय बाद गुजर जाते हैं। जैसे ये साल गुजर गया, ये बीमारी गुजर जाएगी, हम शायद कुछ सालों बाद इस समय को याद करके अपने किस्से सुना रहे होंगे अपने अपनों को और ये बता रहे होंगे कि ऐसा भी जीवन में कुछ हुआ था। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दिक्कतें गुजर जाएंगी, ये परिस्थितियाँ गुजर जाएगी, और आगे भी जीवन में कुछ भी हो तो ये याद रखिएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। क्योंकि ये आपको एक अलग सी शक्ति देता है, आपकी क्षमता को और बढ़ा देता है और आपको और काम करने के लिए मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि जो चल रहा है ये परमानेंट नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो अगर हम सांसारिक जीवन में रहते हैं, और ये चीज़ें भी ज़रूरी है, ये उसके लिए है कि इस साल ने हमें ये सिखाया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। आप हम सभी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन अगर हमने इतनी सेविंग्स नहीं करी कि हम एक साल घर पर बिना काम के बैठ सके, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो गलत जा रहा है। किसी भी रूप में सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, अपने खर्चों के अनुसार, जैसा आप बचपन में देखते होंगे हमारे जो माता पिता या दादा दादी है वो सेविंग ज़रूर करते थे, वो जो भी कमाते थे उनमें से कई बार चावल के डब्बों में या किसी के डब्बों में, या मूवीज़ में भी आप देखते हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो ये सब बहुत करते थे। और हमें अब देखने में भले ही अटपटा लगता है, लेकिन आई थिंक कोरोना ने ये चीज़ सिखाई है कि वो ऐसा क्यों करते थे। वो सब उनकी सेविंग्स थी कि कभी जीवन में दिक्कत के दिन आए, कभी ऐसा हुआ कि हमारे पास कमाने का कोई की सेविंग्स कुछ समय के लिए हमारे लिए काम आएगी, घर चलाने में काम आएगी, खाने पीने के लिए काम आएगी। तो इट्स नेसेसरी कि 2020 ने आपको सीख दी है, क्योंकि हमने लिटरली एक साल घर पे बिताया है, काम नहीं किया है। कई है जो काम कर रहे हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, स्पेशली अगर मैं आर्टिस्टों के बारे में कहूँ, आर्टिस्ट लाइफ हो, हम सब ने अपना जीवन, हमारे जीवन में इतना लंबा समय कभी नहीं देखा जिसमें हम घर पे बैठे हों। तो आप सभी के लिए ज़रूरी है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आर्टिस्ट है, कोई भी और फील्ड में है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा रखिए। आप अपने जीवन में अब चाहिए एक ही साल मान लेते हैं, तो आगे ऐसा ही आप हर काम करें कि कुछ भी हो जाए पर इतनी सेविंग्स हमेशा आपकी होनी चाहिए, इतने इन्वेस्टमेंट्स हमेशा आपके होने चाहिए कि आप कम से कम एक साल अगर बिना काम के भी हो सके तो ठीक ठाक अच्छे से अपने परिवार के साथ घर पर बैठ सके।
इतनी सेविंग्स ज़रूर 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 करिए, बहुत नेसेसरी है और यही शायद हमें ये सीख 2020 देकर जा रहा है कि सेविंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, आई थिंक अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड नहीं, बिकॉज आई एम सीइंग सम ऑफ द कमेंट्स, तो प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछिए। अहंकार क्या है, ये समझना कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, ये आई थिंक अहंकार है। हम अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम सबसे अच्छे हैं, ये अहंकार है। जय श्री कृष्णा जी। 12th बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए हैं, पढ़ने का मन नहीं करता पर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मन देखिए किसी का नहीं करता, हमारा भी नहीं करता था, पर पढ़ना पड़ता है ये सोच के कि आपको फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है। इस समय में जो काम बंद हो गए वो कैसे शुरू करें? देखिए काम पे डिपेंड करता है, जैसा मैंने कहा कि चीजें फिर से ट्रैक पे आएगी, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे जितनी मेहनत हमने पहले की है उससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी ठहर गई है। लोग किसी भी चीज़ में जल्दी से कुछ भी इन्वेस्ट करने में, खर्चा करने में अभी बिलीव नहीं कर रहे, तो कोई भी काम आप कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने पहला पॉइंट रखा, पेशेंस, पेशेंस इज़ द की। आप ठहर कर मेहनत से काम करिए और आपका काम ज़रूर वापस ऑन ट्रैक आ जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, आप सभी के क्वेश्चंस काफ़ी फास्ट आ रहे हैं और मुझे पढ़ने तक का समय नहीं मिल रहा। हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड सोशल लाइफ। जब पढ़ाई का समय हो तब सोशल लाइफ या बाहर घूमने पर ध्यान ना दें, और जब पढ़ाई का समय नहीं है तब आप अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। आई थिंक यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि जब जो ज़रूरी है वो तब करिए, जब पढ़ाई ज़रूरी है तो पढ़ाई पर ही फोकस हो, आपका ये फोकस ना हो कि आपको बाहर घूमना है, सोशल लाइफ अटेंड करनी है, नो। और जब आपको नहीं लगता कि पढ़ाई का इतना प्रेशर है तब आप अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। कथा कब होगी पता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी भी दिक्कतें चल रही हैं और आप सभी जानते हैं कि जब मेरी कथाएं होती है तो आप सब इतना प्यार देते हैं और इतनी संख्या में आते हैं कि उतनी संख्या के लिए जल्दी से परमिशन अभी तो नहीं मिल सकती। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और हम फिर से कथाएं शुरू कर पाएं। तब तक आप YouTube के माध्यम से मुझे सुन सकते हैं, चाहे वो भजन हो, मोटिवेशनल सेशंस हो, स्पिरिचुअल टॉक्स हो, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करूँ और आप सब तक पहुँचाऊँ, ताकि आप कथा, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, आप कथा तो मिस करेंगे ही पर उतनी ज़्यादा मिस ना करें और एक बैलेंस बना रहे। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट जितना मैं आप सबके लिए कर सकती हूँ। आपको कैसे पता चले कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि आपको सब कुछ करने की इच्छा होती है। सब कुछ करने की इच्छा एक अलग होती है, पर किसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना या उस पर अपना जीवन व्यापन करना वो अलग होता है। सो उसके लिए आप लिखिए कि आपको कितनी चीज़ें पसंद हैं, क्योंकि देखिए ये आपको भी कुछ करना है। मैं सिर्फ आपको राय दे सकती हूँ, मैं आपके लिए लिस्ट नहीं बना सकती, मैं ये नहीं जान सकती आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, फिर उसमें से मैं आपको नोट डाउन करके बताऊँ कि आप ये कर सकते हैं, ये आपका काम है, आपकी लाइफ है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी।
हाँ मैं आपको एक राय दे सकती हूँ कि आप एक लिस्ट रेडी करिए कि आपको क्या क्या चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है और जिसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, यानी उस पर आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, उससे कमा कर आप अपने जीवन को चला सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को लिखिए कि करने को तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमें मस्ती करना अच्छा लगता है, आराम करना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, पर वो उसे काम तो नहीं हो सकता। तो आप एक लिस्ट रेडी करिए कि जो काम आप कर सकते हैं, फिर आप उनमें से जो आपको बेस्ट लगते हैं उनको अलग उनकी लिस्ट बनाइए, फिर उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखिए, और उसके बाद आपको लगता है कि ऐसी कोई एक या दो चीज़ है जिसको लेकर आप रिस्क ले सकते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस भी आप अपने ऊपर, मतलब आप उनको सहन कर सकते हैं, तो फिर उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़िए। गुजरात में कोई प्लान है विजिट करने का? अभी तक तो नहीं। अब लाइव कब आओगे आप? देखिए आप, मैंने अभी आपको समझाया लिव इन द प्रेजेंट, आपको फ्यूचर की चिंता है, अभी मैं लाइव हूं, आप अभी सुनिए, अभी देखिए, और अगली बार जब होगा आप सबको पता चल जाएगा। परिवार, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का मंत्र क्या है? पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरी पूरी पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए और आप सफल होंगे। What is the true meaning of life? It's up to you कि आप अपनी लाइफ को क्या मीनिंग देते हैं, क्योंकि हर की जिंदगी अलग है, हर की जिंदगी के किस्से अलग हैं, उनके रिश्ते अलग हैं, उनका काम अलग है, तो सबके जीवन का मीनिंग भी अलग ही होता है। तो आप अपने जीवन को क्या मीनिंग देते हैं वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं हमेशा एक कोट कहती हूँ कि योर लाइफ इज़ योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। कि आपके जाने के बाद आपके जीवन से व्यक्ति एक ना एक चीज़ तो ज़रूर सीखे, हर व्यक्ति। तो ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को क्या मीनिंग देते हैं वो आप पर निर्भर करता है। मैं किसको वोट करूंगी इलेक्शन में बताती हूँ। चिंताओं पर काबू कैसे पाएं? जब भी आपको चिंताएं आए आप कोई ना कोई काम शुरू कर दें, क्योंकि देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताती हूँ, जब मैं काफ़ी ओवरथिंक करती हूँ या मुझे काफ़ी चिंताएं होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाली ना बैठूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। आप जब खाली बैठे होते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब आपको इतनी चिंताएं होती है, आप इतना ओवरथिंक करते हैं, तो खाली ना बैठे। जब भी कोई चिंता हो कोई ना कोई काम करने लग जाए तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राधे राधे। आइए, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मेरे दुखों का कारण बताइए। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आप दुखी क्यों रहते हैं, ये आपसे ज़्यादा और कोई अच्छे से नहीं जानता होगा। मन को एकाग्र कैसे करें? आई थिंक मेडिटेशन, चैंटिंग, आप ओम का जाप करिए, ये सबसे अच्छा वे होता है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और ये हमेशा से चलता आ रहा है, ओम का जाप हमारे ऋषिगण करते थे, साधु संत करते थे, और अब आपको नए वे में बताया जाता है, पर इनडायरेक्टली वो ओम का ही जाप कराया जाता है। आप कितने भी नए तरीके अपना लीजिए, जो भी थेरेपीज होती है, जब हम अपने मन को शांत करने जाते हैं तो सब ओम का ही जाप करवाते हैं। इससे अच्छा आप घर पे बैठकर रोज सुबह उठकर अपने मंदिर में जाकर एक टक आप किसी भी भगवान को देखिए और शंकर जी को देखिए तो और अच्छा है, लेकिन आप ओम का जाप करिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे जिससे आप एकाग्र हो सकते हैं।
स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो आप किसी अपने वहाँ पे जो आपके बड़े हैं उनसे सीखिए और उनसे पूछिए आपको क्या दिक्कत है. या आप इंटरनेट में आजकल आई थिंक इस्कॉन या और भी जगह है कई ऐसे गुरुकुल जैसे स्थान हैं जो आपको गीता पे अभी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, कोर्सेज दे रहे हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, आपको वो सब बहुत हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच. मैं एक जगह देखती हूँ और मुझे दूसरी जगह याद ही नहीं रहता. आई एम सो सॉरी जी. मैं पानी पी रही हूँ. जी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. 2021 में हम सब ने प्रवेश किया है और आई होप ये साल सबका बहुत अच्छा गुजरे. हमने जो चीज़ें भी इस साल खोई है उस सबकी भरपाई इस साल हो जाए. राधे राधे. डिप्रेशन को दूर करने का तरीका, डिप्रेशन के ऊपर, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वर्कशॉप काइंड ऑफ या वेबिनार काइंड ऑफ करने जा रही हूँ. सो मैं चाहूँगी कि मैं अभी उन चीज़ों को बात करके उसको उसका सस्पेंस ना ख़त्म करूँ. या उस समय जब आप बैठेंगे, जिस स्थिति के साथ बैठेंगे, जो दिमाग के साथ बैठेंगे, वो चेंज ना हो. आधी बातें अभी, आधी बातें तब. तो आई थिंक आप सब स्टे कनेक्टेड. आपको जल्द ही, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि आप दुखी क्यों रहते हैं. ये आपसे ज़्यादा और कोई अच्छे से नहीं जानता होगा. मन को एकाग्र कैसे करें? आई थिंक मेडिटेशन, चैंटिंग, आप ओम का जाप करिए. ये सबसे अच्छा वे होता है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है. और ये हमेशा से चलता आ रहा है. ओम का जाप हमारे ऋषिगण करते थे, साधु संत करते थे, और अब आपको नए वे में बताया जाता है, पर इनडायरेक्टली वो ओम का ही जाप कराया जाता है. आप कितने भी नए तरीके अपना लीजिए, जो भी थेरेपीज होती है, जब हम अपने मन को शांत करने जाते हैं तो सब ओम का ही जाप करवाते हैं. इससे अच्छा आप घर पे बैठकर रोज सुबह उठकर अपने मंदिर में जाकर एक टक आप किसी भी भगवान को देखिए और शंकर जी को देखिए तो और अच्छा है. लेकिन आप ओम का जाप करिए. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे जिससे आप एकाग्र हो सकते हैं. स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो आप किसी अपने वहाँ पे जो आपके बड़े हैं उनसे सीखिए और उनसे पूछिए आपको क्या दिक्कत है. या आप इंटरनेट में आजकल आई थिंक इस्कॉन या और भी जगह है कई ऐसे गुरुकुल जैसे स्थान हैं जो आपको गीता पे अभी वर्कशॉप्स दे रहे हैं, कोर्सेज दे रहे हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, आपको वो सब बहुत हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच. मैं एक जगह देखती हूँ और मुझे दूसरी जगह याद ही नहीं रहता. आई एम सो सॉरी. जी मैं पानी पी रही हूँ. जी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. 2021 में हम सब ने प्रवेश किया है और आई होप ये साल सबका बहुत अच्छा गुजरे. हमने जो चीज़ें भी इस साल खोई है उस सबकी भरपाई इस साल हो जाए. राधे राधे. डिप्रेशन को दूर करने का तरीका, डिप्रेशन के ऊपर, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वर्कशॉप काइंड ऑफ या वेबिनार काइंड ऑफ करने जा रही हूँ. सो मैं चाहूँगी कि मैं अभी उन चीज़ों को बात करके उसको उसका सस्पेंस ना ख़त्म करूँ. या उस समय जब आप बैठेंगे, जिस स्थिति के साथ बैठेंगे, जो दिमाग के साथ बैठेंगे, वो चेंज ना हो. आधी बातें अभी, आधी बातें तब. तो आई थिंक आप सब स्टे कनेक्टेड.
आपको जल्द ही एक न्यूज़ और मिलने वाली है। हम बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाले हैं जिसमें आपके जो बेस्ट टॉपिक्स है जिस पे हम डायरेक्टली बात करेंगे और पॉइंट्स के साथ बात करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए हम सब यही कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर उसको कैसे रोके, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपको जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए, उन बारे में बात नहीं हो पाती कैजुअल लाइफ सेशंस में। तो हम बहुत जल्द एक वेबिनार रखने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड ताकि आप डेट्स मिस ना करें। जी मैं इस्कॉन से जुड़ी नहीं हूँ, पर मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी है और हम वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, सभी से मिलते हैं। There's no better way of doing mala jap. You just have to be, you know, concentrated when you're doing it. I think there's some connection issue. Positivity कैसे लाए अपनी life में, positive लोगों के साथ रहकर, positive बातें कर कर, positive दोस्त बनाकर, क्योंकि आपकी संगत, आप आपकी संगत आपके जीवन को डिफाइन करती है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे लोगों के बीच रहे, पॉजिटिव लोगों के बीच रहे। चलिए अब जाने का समय हो गया है, बेस्ट टाइम टू वेक अप फॉर स्टडिंग। जो आपको लगे कि आप उस टाइम पढ़ सकते हैं उस टाइम उठिए, वो बेस्ट टाइम होता है। बस आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप रेस्ट करें, आपके बॉडी को रेस्ट मिले। चलिए तो चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है 2020 से, उन सीखों को अपने जीवन में उतारें, आगे जाके जीवन में उनको प्रैक्टिस करें और चीज़ों को समझें, और आगे जाके वो गलतियाँ ना हो जो गलतियाँ हमने इस साल करी या उससे पहले करी, इसका ज़रूर ध्यान दें। और बहुत जल्द, जैसा मैंने कहा, स्टे ट्यून, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से। और मैं एक बात आप सभी को जाते जाते कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, बट हम जिस भी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मोस्टली सभी में, ट्विटर के अलावा सब पे टिक्स है, वेरीफाइड टिक्स है, दैट इज़ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक्स है, यूट्यूब पे ग्रे टिक है, और वो टिक बताती है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। वेरीफाइड यानी असली है और मेरा है। तो आई एम जया किशोरी नाम से, जहाँ ज़रूरी नहीं है इस नाम से और आईडीज़ नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जो डबल आई 1 2 7 11 13 14 ऐड करके आई एम जया किशोरी के बाद आईडीज़ बना देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जिसमें ब्लू टिक हो, जो वेरीफाइड अकाउंट्स हो, और यूट्यूब पे ग्रे टिक हो, आप उन्हीं आईडीज़ को फॉलो करें ताकि आपको कोई भी फेक न्यूज़ ना मिले और आपको कोई भी फेक न्यूज़ अफेक्ट ना करे, क्योंकि
किसी भी फेक न्यूज़ पर बात करना मैं करूं या आप करें, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे देखते हैं, उस फेक न्यूज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना है। मैं कमेंट्स के लिए भी कहूंगी, कई बार लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कुछ कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं जो उनको अच्छे नहीं लग रहे, वो मुझे कहते हैं कि मैं उनसे कुछ कहूँ। आई थिंक और आप भी उनसे बातें करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कोई कुछ भी गलत लिखता है उसको बढ़ावा तभी मिलता है जब आप सब उस पर जाके कमेंट करते हैं या आप सब उन चीज़ों को शेयर करते हैं। चाहे आप गुस्से में शेयर कर रहे हैं, नाराज़गी में शेयर कर रहे हैं, पर आप इनडायरेक्टली उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को जो लिटरली कॉन्ट्रोवर्सी ही चाहता है या जो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी चीज़ों को थोड़ा फेम मिल जाए नेगेटिव वे में ही, वो इनडायरेक्टली आप दे रहे हैं। तो जो भी मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उन सभी से निवेदन है कि आपको जब भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखे जस्ट वन वर्ड इग्नोर, और उनको बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे, उनको ऐसा ही लगे कि उनके कमेंट करने के बाद भी किसी भी कमेंट पे कोई रिएक्शन ही नहीं आया, वो अपने आप ही बंद कर देंगे। तो किसी भी चीज़ में प्लीज़ आप यही कोशिश करें कि आप रियल आईडीज़ को फॉलो करें और किसी भी फेक पेजेस की कोई भी न्यूज़ पर विश्वास ना करें, और मुझसे आके ना पूछे कि ये